इस वक्त भी बड़ी खबर रही है नरसिंहपुर से, जहाँ पर नरसिंहपुर के इतवारा बाजार स्थित शराब की दुकान को हटाने धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता। आपको बता दें कि विगत कई वर्षों से इस दुकान को हटाने की मांग लगातार चली आ रही है, लेकिन शासन प्रशासन ने आज तक इस दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं किया, जिसके चलते पुनः 1 सितंबर से सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार बंधुओं ने अनिश्चितकालीन धरना इसके विरोध में चालू कर दिया है और लगातार यहां पर धरने पर पत्रकार बंधु एवं सामाजिक कार्यकर्ता बैठे हैं और उनकी मांग है कि जब तक यह शराब की दुकान इस स्थान से नहीं हट जाती तब तक वो लगातार यूं धरना देते रहेंगे। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता तारा पटेल ने बताया कि उक्त शराब की दुकान के कारण एक बड़ी आबादी के लोगों का यहां से निकलना दूभर हो गया है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हो रही है, सुबह से लेकर देर रात तक शराबी यहां झूमते नजर आते हैं और शोर शराबा हंगामा विवाद होना यहां कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। आलम यह है कि इस दुकान के चलते यहां पूरे क्षेत्र में गंदगी का आलम बना रहता है तथा खुले में पूरे बाजार में आप देखें जहां देखें वहीं लोग शराब पीते नजर आते हैं। इसका पूरा दंश आम जनता भोग रही है। आगे देखना यह है कि खबर के बाद कब शासन प्रशासन के नुमाइंदे जागते हैं और इस दुकान का स्थान परिवर्तन करते हैं नहीं। शासन के जिन्हें रोक लगाना चाहिए, इसे पुलिस विभाग कहें, सामान्य प्रशासन विभाग कहें, इवन जिला प्रशासन कहें, कि तीनों लोग आपस में मिली भगत करके आपस में इसमें पार्टनर बनके यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनके ही नुमाइंदे इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनके ही नुमाइंदे ये शराब बिकवा रहे हैं, गांव-गांव शराब बिक रही है, लेकिन न पुलिस को दिखती है, न सामान्य प्रशासन विभाग को दिखती है, न सामाजिक कार्यकर्ताओं को दिखती है। जब तक यह मुहिम गांव-गांव से, शहर शहर से, हर घर से आगे नहीं बढ़ेगी, मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई कार्रवाई करेगी।